हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 14 तारीख से फिजिकल है उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आपको, और यानी कि आपका फिजिकल में क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अहम जानकारी है कि आपका ग्राउंड कितने मीटर का होगा मेल एंड फीमेल का। इस कि जो पूरी कंप्लीट जानकारी है उसके बारे में हम स्टेप टू स्टेप चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो है, यानी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करते हो तो आपको यानी कि कोई जानकारी या कुछ अपडेट बताता हूँ उसके बारे में, जो भी सूचना है वो आपकी छूट जाएगी, तो बाद में आपको फिजिकल के टाइम में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे ज़रूरी बात है कि यानी पूरा कंप्लीट तरीके से वीडियो देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो आपकी फिजिकल डेट है, इसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो फिजिकल है 14 तारीख से 23 तारीख के मध्य होने वाला है, अप्रोक्स 16,000 स्टूडेंट मेल एंड फीमेल का। और इसमें हम बात करें तो यानी कि ये जो फिजिकल है 14 से 20 तारीख यानी कि मेल का फिजिकल होने वाला है, यानी लड़कों का, और 21 से 23 तारीख यानी 3 दिन के लिए फीमेल के फिजिकल होने वाले हैं, ये आपको पता है। और थोड़ा सा इसके बारे में फिजिकल में क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। यानी आपकी हाइट है 1.65 सेंटीमीटर है, वो ही हाइट के लिए क्वालिफाई होगा। और ST कैटेगरी है तो उसको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और जो जम्मू कश्मीर गोरखा यानी कि जो 7 सिस्टर प्रदेश है उसको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी उससे स्टूडेंट काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं। तो यानी जिसकी 1.64 यानी 1.63 1.64 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट है, वो भाई बिल्कुल भी नहीं जाए, कोई मतलब नहीं है कि उसको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। और हाइट के बारे में चर्चा करें तो आपकी नॉर्मल हाइट है, जो आपका फिजिकल होगा दौड़ लंबी कूद ऊंची कूद उससे पहले नॉर्मल हाइट होके ही आपको एंट्री मिलेगी। अब बात करें चेस्ट की, चेस्ट 78 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और 4 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और ST कैटेगरी है तो उससे 5 सेंटीमीटर की इसमें भी छूट दी गई है। अब आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर रनिंग होगी, वो 30 वर्ष की उम्र से कम है उनके लिए। अब थोड़ा सा डाउट आता है यहाँ पर, जिनकी उम्र फॉर्म अप्लाई करते समय 30 वर्ष है, या फिर जिसकी उम्र फिजिकल के टाइम 30 वर्ष है उनके लिए, जिसकी भाई उम्र फिजिकल हो रहा है उस टाइम 30 वर्ष से कम है उनके लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर में। और यानी 12.5 फुट लंबी कूद और 3.5 फीट ऊंची कूद होगी, और इसमें 3-3 चानस दिया जाएगा आपको। और 30 से 40 वर्ष जिनकी उम्र है उसको 8 मिनट मिलेगी दौड़ में 1600 मीटर दौड़ करने के लिए। और यहाँ पर एक ही राउंड होगा आपको, वो एक राउंड कंप्लीट करना है। और यानी कि यहाँ पर बात करें तो 11.5 फिट यानी लंबी कूद होगी, और 3 फिट ऊंची कूद होगा, हाई जंप होगा, इसमें 3-3 मिनट का टाइम मिलेगा। और 40 से उम्र जिनकी है उसको 9 मिनट मिलेगी, लेकिन 40 वाले बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। और यानी कि ये उम्र को देखते हुए यहाँ पर छूट का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। और सबसे पहले आपकी नॉर्मल हाइट होगी, प्रवेश कार्ड देखा जाएगा गेट पर, नॉर्मल हाइट होगी। बाद में आपको यानी पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, SC ST, ये तो आपको लेके जाना ही है। और 10th 12th ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है, और यानी पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और आपके पास 2 यानी जाति प्रमाण पत्र, एक 6 मंथ 12 मंथ पुराना है, एक नया है, दोनों लेके जाना है। बाद में आपको यानी कि सभी को वो जो आपको ऐसा नंबर दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका फिजिकल होगा, वही मैन आपको उसी नंबर से आपको बुलाया जाएगा। तो जो आपको वो कांचले टाइप देते हैं उससे पहले दौड़ होगी, बाद में आपका लंबी कूद होगी, बाद में ऊंची कूद होगी, ये क्वालिफाई करने के बाद में हाइट चेस्ट वेट ये सब होगा। वेट का इतना क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन 50 kg वेट होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट के बारे में भी थोड़ा सा लास्ट में कंप्लीट तरीके से चर्चा करेंगे। और फीमेल्स की जानकारी के बारे में चर्चा कर ले, हाइट है 1.57 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यानी SC ST है तो 5 सेंटीमीटर की छूट है, और 47.5 kg वेट होना जरूरी है, 47.5 kg वेट होना जरूरी है। 800 मीटर की रनिंग होगी, यानी कि इनका एक ही राउंड होगा 800 मीटर का, यानी लड़कों का एक राउंड होगा तो इनका आधा राउंड कर दिया जाएगा उसी राउंड को, और यहाँ से दौड़ाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा, इस प्रकार होगा। जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है उनको 7 मिनट का टाइम मिलेगा 800 मीटर में, लड़कियों को 9 फिट लंबी कूद और 3 फिट ऊंची कूद होगी। और यानी 8 मिनट है, 8 मिनट उनको 30 से 40 वर्ष उम्र है उनको 8 मिनट कंप्लीट मिलेगी, 8 फिट लंबी कूद है,
और यानी कि 2.5 फुट ऊंची कूद है, 8 फीट लंबी कूद है। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है उस जो अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा वो ही स्टूडेंट टाइपिंग क्लियर कर पाएगा, क्लियर करेगा तो वो ही फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएगा। सबसे मेन जानकारी है कि आपके कितने भी राउंड हो, अगर बात करें तो यानी आपकी OBC से 68 है, वो क्वालिफाई हो गया है, यानी 68 है, तो यानी 25 नंबर टाइपिंग के ले में लेके आके भी फाइनल सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले फिजिकल क्वालिफाई करना होगा, और फिजिकल के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन कर दी है। जो भी कोई भी आपके डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि आपका 3-4 दिन बाद में फिजिकल है, तो यानी फिजिकल है आपका 3-4 दिन बाद में, तो यानी इसके बारे में आपको तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा, कोई भी जवाब पूछेंगे आपको। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।